हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की चटनी, और आपने ऐसी चटनी नहीं खाई होगी, और बहुत टेस्टी चटनी बनती है। आप इसे पूरी के साथ में खा सकते हैं। और हम देख लेते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने पानी लिया है ग्रेवी में डालने के लिए घोल में, और प्याज लिया है मैंने एक बारीक काट लिया है, और 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, और 1 टमाटर लिया है उसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है मैंने उसे भी काट लिया है, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टीस्पून चना दाल, 2 टीस्पून उड़द दाल, और 2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर लिया मैंने, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और 1 टीस्पून मैंने राई लिया है, और 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है मैंने उसे कूट लिया है, और ऑयल लेंगे हमें जितना ज़रूरत होगा। और हम देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले बेसन में हम 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, और नमक डालेंगे, और नमक आप ध्यान से डालिए, जितना टेस्ट के हिसाब से डालना है नमक, तो इसलिए मैं डाल ले रही हूँ, थोड़ा सा बाद में डालूँगी मैं नमक, तो ध्यान से डालिए आप नमक। और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी, और इसको हम घोल बना देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हम घोल बना लेंगे। ये मैंने घोल को बना लिया है, देखिए ये मैंने घोल को बना लिया। 1/2 कप पानी डालिए और घोल को ऐसे बना लीजिए, और हम देखते हैं आगे। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे पैन रख लिया है, और इसमें हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल को हम गर्म होने देंगे, और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे राई, और इसको हम चला लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, और उसमें हम डालेंगे उड़द दाल जो सफ़ेद आता है बिगड़ छिलके वाला, वो लिया मैंने दाल, और चना दाल, और इसको हम थोड़ा भून लेंगे, थोड़ा सा हम पका लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। ये अच्छे से फूटने लग गया है और ब्राउन हो गया है। इसमें डालेंगे अजवाइन, और इसके साथ में हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, और इसे भी हम भून लेंगे, और अभी इसमें हम डालेंगे प्याज। अच्छे से हमारा मिर्ची पक गया है, और इसको हम भून लेंगे। ऑयल आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से लीजिए आप ऑयल, और इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा, और गैस को हमें मीडियम कर दे रहे हैं, मैंने कम रखा था, और अभी थोड़ा हम मीडियम कर देंगे गैस को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल बटन ज़रूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा भून लेते हैं, और ये हल्का गुलाबी हो गया है हमारा प्याज, और अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा और पका लेते हैं प्याज को। और ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, आप पूरी के साथ में आप पूरी बनाइए और उसके साथ में खाइए, और खा के देखिए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, और प्याज हल्का ब्राउन गुलाबी हो गया है तब तक हमें इसे भूनना है, और इसे हम भून लेंगे। ये मैंने टमाटर को थोड़ा भून लिया है, और अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और क्योंकि बेसन के घोल में भी नमक डाला और इसमें भी डाला है, तो थोड़ा कम डालिए, अगर आपको कम लगे तो फिर और डालिए, और नहीं तो अगर आपको अंदाज मतलब कि कितना नमक डालना है तो आप डाल सकते हैं, ध्यान से डालिए लेकिन नमक आप। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इसको अच्छे से भून लेंगे हम, मिक्स कर लेंगे। गैस को आप मीडियम रखिए, मीडियम आंच पे पकाएंगे,
और अभी इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी, इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और गैस को फास्ट कर देंगे हाई और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। इसमें तो इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं और इसमें उबाल आने लग गया है, देखिए बॉईल होने लग गया और गैस को मैंने कम कर दिया है। जब ये उबाल आने लग जाए तो गैस को आप कम कर दीजिए और इसमें 5 मिनट तक इसे अच्छे से उबलने दीजिए कम आँच पे। पहले हाई करिए, अच्छे से बॉईल होने लग जाए तभी कम करके 5 मिनट तक इसे उबाल लेना है। और अभी इसमें हम डालेंगे जो हमारा बेसन का मैंने घोल बनाया था वो डालेंगे इसके अंदर और कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसे हम बेसन के पक जाने तक 5 मिनट तक पकाएंगे, एकदम गैस को कम रखेंगे। और इसमें हम डाल लेते हैं और इसको हम चलाएंगे, गैस को हमें एकदम कम रखना है क्योंकि बेसन है बहुत जल्दी से चिपक जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा ये, तो कंटिन्यू आप चलाते रहिए। और इसे हम ऐसे चलाते हुए 5 मिनट तक हम पकाएंगे, कंटिन्यू हमें चलाते रहना है नीचे से जलने न पाए। और गैस को आप एकदम कम कर दीजिए, ये इसे पकते हुए 5 मिनट हो गया है और कंटिन्यू मैं चलाती हूँ चला रही हूँ इसको कि जले नहीं, और 5 मिनट हो गए तो ये पक गया है, तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे बेसन की चटनी बन गई है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, तो ये हमारा बेसन का चटनी बन के तैयार है। आप इसे पूरी के साथ में सर्व करिए और एक बार खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर बनाएंगे आप। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें मेरे वीडियो को और कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और फिर से मिलते हुए मैं नए रेसिपी में, और देखिए कितना अच्छा बना है और यमी भी है खाने में, तो आप बनाइए और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और फिर से मिलती हूँ मैं। बाय फ्रेंड्स।